सो गैस, मैं आपको इस वीडियो में बी फार्मेसी की काउंसलिंग कैसे होगी ऑनलाइन, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, और इसका जो लिंक है वो है hsts.org.in। आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो आप इसकी वेबसाइट पर आ जाओगे। आप अपने फ़ोन से भी काउंसलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ देखिए क्या करना है, आपको आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल सर्च बार में जो मैंने आपको साइट का नाम बताया वो फिलअप करना है। उसके बाद देखिए, मैं आपको एक साइट का नाम बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बी फार्मेसी की जो डिटेल है वो आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट है। अभी मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देन उसके बाद देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट था लास्ट, वो था 24/8/2022, यानी कि अभी 24 तारीख नहीं है, 24 अगस्त नहीं है, आज 22 अगस्त है जैसे आप देख रहे हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया बी फार्मेसी के लिए, तो आप कर सकते हैं, अभी आपके पास 2 दिन है। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो आपकी मेरिट लिस्ट पे होगी, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट, आपको रैंक मिलेगा, ये आपको 6/9/2022 को 4 PM को आपको पता लग जाएगा, यानी इस वेबसाइट पर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, या फिर आप गूगल सर्च बार में ये वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, इस प्रकार से techadmission.hry.gov.in। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप हरियाणा स्टेट टेक्निकल वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अगर आपने अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपने कर लिया है तो आप सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बी फार्मेसी है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना है, जो भी आपको मिला होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है, उसके बाद ये कैप्चा एंटर करना है, तो आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका रैंक होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका रैंक जितना कम होगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर पड़ने का, यानी एडमिशन होने का आपका चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा वो आपका होगा 8/9/2022 को स्टार्ट हो जाएगा 11 AM से, और 12/9/2022 तक आपका जो ये है, आप अपनी चॉइस फिलअप कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज में आपको बी फार्मेसी में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली वो कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको फिलअप करना है, यहाँ पर आपको साइट दी गई है, जिस साइट पर मैं आपको अभी लेके गया था। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको दोबारा से मैं आपको होम पे बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों ये डेट नज़दीक आएगी, जैसे 8/9/2022 जैसे 11 AM हो जाएगा, तो आपको हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आपको लॉगिन या फिर यहाँ पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हो। देन ये था आपका हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है बी फार्मेसी, आपको अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड कैप्चा और लॉगिन कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप लॉगिन करोगे, तो आपको यहाँ पर आप इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे, और अपनी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज फिलअप करना है। वो कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, यहाँ पर जैसे लॉगिन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से इंटरफेस होगा। ये एक वीडियो है ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए, आइडिया लग जाए। तो ये डिप्लोमा की है, तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं, लॉग फील्ड एंड चॉइस डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अपना आपको लॉक करना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। इस पीडीएफ में आपको बताया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, फिलिंग अप ऑफ चॉइस एंड लुकिंग चॉइस फॉर ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन कैंपस आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ये लिखा हुआ जैसे आप देख रहे हैं, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले चॉइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, मैं थोड़ा वीडियो को आगे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको कॉलेज के नाम आ जाएंगे, हरियाणा में जितने भी कॉलेज हैं जिसमें बी फार्मेसी होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आप अपने हिसाब से जिस भी डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप
कर सकते हो। उसके बाद आपको फील्ड चॉइस करना है कि किस किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सी आपकी चॉइस है, यहाँ पर आपको ये शो होगा। उसके बाद जैसे आप आगे जाओगे तो आगे ये तो डिप्लोमा का है और यहाँ पर वो कॉलेज आ जाएंगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे प्लस वाले आइकन पे तो यहाँ पर वो कॉलेज आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला सिटी है, लेकिन ये पॉलिटेक्निकल का है, लेकिन आपका मैं बता रहा हूँ बी फार्मेसी का। ऐसे ही आपका बी फार्मेसी के कॉलेज होंगे तो आप जैसे प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो आ जाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं आगे इसको सर्व कर लेता हूँ। तो उसके बाद देखिए थोड़ा इस तरह से आपके पास आएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको। हाँ तो देखिए इस वीडियो में मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर क्लिक किया था अभी थोड़ी देर पहले। थोड़े मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए कर लेता हूँ पूरा एग्जैक्ट ताकि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मैं अब यहाँ पर नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे लॉक चॉइस, है ना। तो जैसे आप यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज आप फिलअप कर लेते हो तो आपको लॉक यहाँ पर दिख रहे हैं, लॉक चॉइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपने जो भी गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो आपके लॉक हो जाएंगे। यानी कि उसके बाद अपनी एलिजिबल चॉइस यहाँ पर आप देखोगे जब आपका नंबर पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए ये एंड हो जाएगा, इस तरह से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं नीचे साइड में नीचे ये ऑप्शन है प्रिंट आउट का, जैसे आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस तरह का प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। हाँ तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है कि उसके बाद जैसे ही ये फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके बाद आपका रिजल्ट सीट अलॉटमेंट आपको पता लग जाएगा इसी वेबसाइट पर। यानी कि फिर आपको दोबारा इसी वेबसाइट जाना, लॉगिन वगैरह करना है और मैं आपको आपके सामने ये वीडियो ले चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एलिजिबल चॉइस, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका किस कॉलेज में नंबर पड़ा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आप अपने आईडी से लॉगिन करोगे इस वेबसाइट पर, यहाँ पर इस वेबसाइट पर, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अब मैं आपको पीडीएफ पे ले चलता हूँ। उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है 13 नौ को, आपको पता चल जाएगा 5 PM पर। उसके बाद देखिए मैं नीचे थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया फिजिकल रिपोर्ट है, यानी आपको फिर जैसे आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाते हैं उसके बाद आपको कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इस डेट को, यानी 14 से लेकर 16 के बीच में आपको 2 दिन मिलेंगे, तो इस डेट को आपको जाना है जिस भी कॉलेज में आपका नंबर पड़ जाएगा एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में बी फार्मेसी के लिए। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाने साथ में, अपने फोटो वगैरह जो भी आपके पास हैं अपनी क्वालिफिकेशन के, और आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद ये आपको इन्फॉर्मेशन सब कॉलेज में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका नंबर फर्स्ट काउंसलिंग नहीं पड़ा और अगर आपका नंबर पड़ जाता है और आपको चॉइस आप ले लेते हो तो फिर आप सोचते हो कि मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। अगर आपने फर्स्ट काउंसिल में कॉलेज ले लिया या फिर आपका नंबर नहीं पड़ा तो फिर आपका सेकंड काउंसलिंग आप करवा सकते हो। ये फिर आपका जैसे ही ये काउंसलिंग खत्म होगी फर्स्ट, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर से दोस्तों वही प्रोसेस है कि आपको 19/9/2022 को 11 AM को इसी टेक एडमिशन की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको फिर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना कोर्स ऐड करना है, उसके बाद आपको कैप्चा लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले लॉक फिर चॉइस करना है। उसके बाद ये आपको चॉइस फिर हो जाएगा, उसके बाद लॉक कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको एलिजिबल चॉइस पर आपको क्लिक करना है जब आपका ये डेट नज़दीक आ जाएगा, ये वाला डेट नज़दीक आ जाएगा, यानी सीट अलॉटमेंट का 27/9/2022 5 PM को आपको पता लग जाएगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे एलिजिबल चॉइस पर, तो उसके बाद आपका नंबर पड़ जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा बड़े आराम से अगर आपका रैंक अच्छा है। अगर दोस्तों देखिए आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट से 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है, अगर आपका फिर भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ काउंसलिंग के दौरान फिर क्या होगा? देखिए दोस्तों आपका रैंक ज़्यादा होगा तो आपका नंबर नहीं पड़ेगा और जिनका रैंक कम होगा मेरिट वाइज तो उनका नंबर फटाक से पड़ जाएगा। अगर फिर भी दोस्तों आपका नंबर नहीं पड़ा फिर देखिए कॉलेज वाले मैनुअल काउंसलिंग करवाते हैं, यानी ऑफलाइन काउंसलिंग करवाते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी दोनों, क्योंकि दो ही ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं, उनको सीट मिल जाती है लेकिन वो कॉलेज में नहीं आ पाते, यानी कि एडमिशन करने के लिए नहीं आ पाते, टोकन फीस नहीं दे पाते, जिसके कारण से वो सीट खाली हो जाती है। फिर जो सीट बच जाती है एडमिशन की फिर वो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में आप हरियाणा के किस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको पर्सनली वहाँ पर जाना पड़ेगा या फिर आपको गूगल से उसका नाम लिखकर, उस कॉलेज का नाम लिखकर आप उनका हेल्पलाइन या फिर इंक्वायरी नंबर ले सकते हैं और वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं।
कि ऑफलाइन काउंसलिंग कब चलेगी। हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें बी फार्मेसी होती है तो सबकी ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगी अलग अलग डेट को होगी, किसी किसी में सेम होगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होगी, किसी के दो दिन पहले होगी, किसी के दो दिन बाद होगी। पर लेकिन जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म होती है तो तुरंत बाद आपको कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो या फिर आप हरियाणा से हो और अगर आप किसी लोकेशन में दूर रहते हो कॉलेज से तो आपको इस तरीके से आपको एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपकी काउंसलिंग होगी और अपने मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से आप इसी तरह करवा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।